हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 42वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्यूबलाइट कनेक्शन के बारे में और साथ ही यह सीखेंगे कि ट्यूबलाइट को जलाने के लिए जो चोक और स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है वो कैसे काम करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि यह जो कांच वाला राड होता है, आज के समय में तो बहुत कम इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के समय में इसके स्थान पर एलईडी वाला राड आ चुका है, जिसको जलाने के लिए चोक और स्टार्टर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी हम इसके कनेक्शन को यहाँ पर सीखने वाले हैं, क्योंकि अक्सर ही यदि आप इलेक्ट्रीशियन से संबंधित किसी ट्रेड में या कंपनी में जो है कि जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपके इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछ दी जाती हैं कि ट्यूबलाइट का कनेक्शन कैसे किया जाता है और उसमें जो चोक लगा होता है, स्टार्टर लगा होता है, क्या काम करता है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है एक ट्यूबलाइट है, यानी कि एक राड है, और राड जो है कि ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये वाला ट्यूब होता है, एक प्रकार का कांच का, जिसके अंदर एक विशेष प्रकार की गैस भरी गई होती है। और वह गैस या तो आर्गन हो सकती है, या क्रिप्टॉन हो सकती है, या फिर लिक्विड मरकरी हो सकती है। इन तीनों में से कोई एक गैस जो है कि भरी गई होती है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा गैस आर्गन इस्तेमाल किया जाता है राड के अंदर। उसके साथ साथ यहां पर आप देखेंगे एक चोक है, ये आप चोक देख सकते हैं किस तरीके का चोक है, और यहां पर आप एक स्टार्टर देख सकते हैं। स्टार्टर में आप देखेंगे इधर की तरफ दो कॉन्टेक्ट पॉइंट, यहां पर दो टर्मिनल है जहां पर तार जोड़ने का ऑप्शन है। इस चित्र में भी आप देखते रहिएगा, मेन चित्र ये है, और आप इस डायग्राम को भी ध्यान दीजिएगा। इस स्टार्टर के नीचे की तरफ हमने एक ये इस तरीके का कैपेसिटर बनाया है। इस कैपेसिटर का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि इसके अंदर स्टार्टर के अंदर जो नियोन लैंप होता है, एक विशेष प्रकार का लैंप है जिसे नियोन लैंप बोला जाता है, जिसके अंदर एक कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, और कॉन्टेक्ट पॉइंट में जो दो पत्तियां होती है वो बायोमेटलिक पत्ती होती है, यानी कि वह गर्म होकर के सटेगी और यदि ठंडा होती है तो वह अलग हो जाती है, ऐसा कुछ व्यवस्था उसके अंदर होता है। नियोन लैंप उसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर नियोन गैस जो है कि भरी गई होती है, इस वजह से उसको नियोन लैंप बोला जा रहा है। और यहाँ पर नीचे की तरफ कैपेसिटर सिर्फ नियोन लैंप को खराब होने से बचाने के लिए लगाया गया होता है, ताकि इधर से फिल्टर होकर के सप्लाई वहाँ तक पहुँचे, जिससे कि हमारा जो नियोन है वो खराब ना हो। यहां पर आप चोक देख सकते हैं, इसके अंदर कोर भी होता है, और यहां पर ऐसे जो है राउंड करके एक क्वाइल बनाया गया होता है, क्वाइल के दो सिरे हैं। अब सबसे पहले हम इसका कनेक्शन सीख लेते हैं। कनेक्शन सीखने के बाद हम इसके कार्य को समझेंगे कि स्टार्टर क्या काम करता है, चोक क्या काम करता है। तो इधर से आप देखेंगे तो इस साइड में दो पिन है और यहां पर भी दो पिन है, तो इन दोनों पिनों में से किसी एक पिन का एक तार लिया जाता है और स्टार्टर के किसी एक टर्मिनल में ले जा करके जोड़ दिया जाता है, और इधर से भी एक तार लिया जाता है और स्टार्टर के किसी एक टर्मिनल से जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद राड में आप देखेंगे दो टर्मिनल बच गया, दोनों में से किसी एक साइड से आप एक तार निकालिए, और चोक में आप देखेंगे तो दो तार है, दो टर्मिनल है, दोनों में से किसी एक में ले जा करके इसको जोड़ सकते हैं, या तो इधर या फिर इधर, किसी भी साइड में जोड़ा जा सकता है। अब जो है हमको दो पॉइंट मिल गया, एक तो चोक वाला और एक यहाँ पर राड से। तो चोक से जो निकल रहा है इस पर हम फेज दे रहे हैं, और यहाँ राड से जो निकल रहा है उस पर न्यूट्रल दे दिया जाएगा। इस तरीके से यदि आप कनेक्शन करते हैं तो आपका जो ट्यूबलाइट है वो जलने लग जाता है, मतलब प्रकाश देने लग जाता है। अब ये कैसे सारा प्रोसेस होता है, चूँकि इसके अंदर जो है कोई लैंप नहीं लगा होता है, इसमें गैस भरी गई होती है, जिस गैस को गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उसको कंडक्टर में बदल दिया जाता है, यानी कि एक धारा को प्रवाहित करने के लिए रास्ता बना दिया जाता है, जिससे कि धारा उस गैस से होकर के गुजरने लग जाती है और गैस चमकने लग जाती है, जिससे राड प्रकाशित हुआ मतलब होता हुआ दिखाई देता है, जिससे प्रकाश फैलने लग जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इधर से न्यूट्रल और इधर से फेज जब जाता है तो कहाँ कहाँ पर पहुँचेगा और कैसे जो है कि ये वर्क करेगा। इसके कार्य को समझने से पहले एक बात आपको समझ लेना पड़ेगा कि यदि कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं पर भी फेज और न्यूट्रल यदि आपस में शॉर्ट हो जाते हैं,
तो एम्पियर का मान अचानक से बढ़ जाता है, और जैसे ही शॉर्ट सर्किट समाप्त होता है, अचानक से मतलब तुरंत जो है शॉर्ट सर्किट समाप्त होता है, तो झटके में जो है कि वोल्टेज का मान बढ़ता है, और जैसे शॉर्ट सर्किट होता है ना वोल्टेज का मान घट जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट सर्किट होगा तो एम्पियर का मान तो बढ़ जाता है लेकिन वोल्टेज का मान घटने लग जाता है, लेकिन जैसे ही शॉर्ट सर्किट हटता है तुरंत वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। ये चीज़ जो है कि आप बात ध्यान रखिएगा तो बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए ये फेज है और ये न्यूट्रल है, क्योंकि आपको पता है कि फेज से धारा अंदर जाती है और न्यूट्रल से धारा बाहर की तरफ निकल जाती है। ये चीज़ मैंने पहले बता रखा है, आप लोगों को याद भी होगा। तो यहाँ से ये धारा पहुँचती है इसमें चोक के अंदर, चोक से इधर क्वाइल से होते हुए ये सीधे सीधे पहुँच जाती है इस राड के इस वाले पिन पर। अब इस वाले पिन से ऊपर वाले पिन पर कैसे पहुँचती है, तो अंदर के तरफ ये एक क्वाइल लगा हुआ है और क्वाइल से ये आगे पहुँच जाता है स्टार्टर पर, और स्टार्टर में ये जो है कि बायोमेट्रिक पत्ती होती है। अब यहाँ पत्ती के हिसाब से ये इस तरीके से आ जाता है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुँचा हुआ है, फेज सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुँचा हुआ है, मतलब स्टार्टर के दोनों साइड, एक साइड में आपका फेज है और एक साइड में न्यूट्रल पहुँच गया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि ये फेज है और ये न्यूट्रल है, दोनों यदि आप पास पास में रख देते हैं, इनको सटाते नहीं हैं, तो पास पास में रखिएगा तो यहाँ पर हीट उत्पन्न होगा, गर्मी उत्पन्न होती है, और इसी गर्मी के वजह से यहां पर ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, बायोमेट्रिक कॉन्टैक्ट पॉइंट, यानी कि तापमान से काम करने वाले कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो ये गर्म होते हैं और गर्म होकर तुरंत क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब ये आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये चिपकेगा तो इधर से फेज चिपक गया, इधर से न्यूट्रल, एकदम शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के दौरान क्या होता है, एम्पियर का मान बढ़ जाता है और वोल्टेज का मान घट जाता है। तो यहां पर क्या होगा, एम्पियर का मान बढ़ जाता है, यानी कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा था वह धारा का मान कुछ समय के लिए, जब तक ये शॉर्ट सर्किट है मतलब आपस में सटे हुए, तब तक धारा का मान बहुत तेज हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस चोक का क्या काम है कि जो शॉर्ट सर्किट के स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट के दौरान जो अचानक से धारा का मान बढ़ गया, उस धारा के मान को आगे नहीं बढ़ने देता, यानी कि आपके मेन जो तार है उधर के तरफ बढ़ने नहीं देता है। यदि ऐसा होता तो जहां पर आपने रॉड का कनेक्शन किया है वह एमसीबी ट्रिप कर जाती या फिर स्विच वगैरह खराब हो जाता, क्योंकि धारा का मान बढ़ गया है। तो उस धारा, बढ़े हुए धारा के मान को यह चोक क्या करता है, रोक लेता है, मतलब आगे मेन लीड के तरफ नहीं जाने देता है। तो चोक का पहला काम यही है कि जो अचानक से धारा का मान बढ़ा है उसको रोक लेता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो शॉर्ट हुआ था शॉर्ट सर्किट, यानी कि ये इधर था फेज, इधर था न्यूट्रल, दोनों दूर दूर थे, जैसे ही ये दूर थे तो गर्मी उत्पन्न हुई और बायोमेट्रिक कॉन्टैक्ट पॉइंट आपस में सट गए, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया। अब जैसे ये सटेंगे ना, तो जो हीट उत्पन्न हो रहा था वो हीट अब नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि ये आपस में चिपक गए, तो यहां पर जो गर्मी था वो नहीं उत्पन्न होगा। तो उससे होता क्या है कि ये दोनों अलग हो जाते हैं, बात को समझिएगा, ये आपस में सटे, उसके बाद धारा का मान बढ़ा जो कि ये चोक ने आगे बढ़ने से रोक लिया, अब तुरंत जो है ये अलग हो जाते हैं। अब ऐसा होते समय होता क्या है कि जैसे ये सट करके अलग होगा तो धारा का मान बढ़ा, और जैसे ही अलग होगा तुरंत वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट हुआ था तो धारा का मान बढ़ा था, ये धारा है तो ये बढ़ गया था, और वोल्ट जो था वो क्या हुआ था, घट गया था। लेकिन जैसे ये शॉर्ट सर्किट अलग होगा, अब ये जो बढ़ा हुआ धारा का मान है वो घटने लग जाएगा, और ये जो वोल्टेज का मान है अचानक से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारा काम अचानक हो रहा है तो वोल्टेज का मान भी झटके से बढ़ेगा, और जो आप 220 वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं वह बढ़ करके लगभग 1000 वोल्ट या इससे अधिक वोल्ट जो है कि हो जाता है। अब ऐसा वोल्टेज हो जाने से होता क्या है कि इसके अंदर का जो गैस है, जो कि आर्गन गैस या फिर क्रिप्टॉन गैस या फिर लिक्विड मरकरी गैस, इन तीनों में से जो भी गैस होता है वह गैस जो है अधिक वोल्टेज के कारण गर्म होता है। अब गर्म होकर के होता क्या है कि यह एक प्रकार का कंडक्टर का कार्य करने लग जाता है। कंडक्टर का कार्य मतलब जो धारा यहाँ से होते हुए इधर के तरफ जा रहा था, तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था तब जा रहा था, लेकिन अलग हो गया तो तब तक क्या होता है कि इसके अंदर का जो गैस है वो
गर्म हो गया और गर्म होकर के इधर से जो धारा जो उत्पन्न हुआ, अब वो धारा इधर से बढ़ने लग जाता है। अब इस साइड से जब जैसे ही इधर से धारा प्रवाहित होने लग जाता है, आपका जो इस राड के अंदर जो गैस है वो चमकने लग जाता है। जब राड के अंदर का गैस चमकता है तो वही जो है प्रकाश देने लग जाता है, उसी को कहते हैं कि हमारा राड हो जो है कि जल रहा है। तो राड जलता नहीं, अंदर का जो गैस है वो चमकने लग जाती है, जिसके अंदर से जो है धारा प्रवाहित होने लग जाता है। अब ये जो धारा ऊपर ऊपर जा रहा था, वो धारा अब स्टार्टर से होकर के नहीं जाएगा, अब इसके अंदर से होकर के इधर जाने लग जाएगा। अब जब इस तरीके से ऐसा होने लग जाता है तो जो 1000 वोल्टेज था वो क्या हो गया, तुरंत जो है फिर नॉर्मल अवस्था में 220 वोल्ट आ जाएगा, और जितना इसको एम्पियर लेना चाहिए उतना एम्पियर ये सामान्य एम्पियर लेने लग जाता है। यानी कि इस चोक का क्या क्या काम हो गया, जब शॉर्ट सर्किट हुआ था तो उस समय जो धारा का मान बढ़ा, उस धारा के मान को आगे मेन लीड से जाने से रोकता है। अब ये एक काम हो गया कि ये धारा के मान को आगे बढ़ने से रोक रहा है। दूसरा इसका काम ये है कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट अलग होता है तो धारा का मान तो घटेगा, लेकिन यह चोक तुरंत जो है कि उसके वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है, लगभग 1000 वोल्ट कर देता है। तो दूसरा इसका काम है कि धारा का मान जैसे ही कम होगा तुरंत वोल्टेज के मान को बढ़ाएगा, और जब वोल्टेज के मान को बढ़ा देगा तो जिससे यह गैस जो है कि गर्म हो जाती है, और गर्म होकर के एक रास्ता प्रदान करती है धारा को प्रवाहित होने के लिए, जिससे कि यह धारा जो ऊपर ऊपर जा रही थी अब इस गैस के अंदर से होकर के गुजरने लग जाती है। अब जब गैस से अंदर से होकर के धारा गुजरती है तो उस समय जो 1000 वोल्टेज है यह चोक क्या करता है, तुरंत इसको सामान्य वोल्टेज के अंदर ला देता है, और उस समय जो है कि जो आपका धारा इसको प्रवाहित होना चाहिए, जो अचानक से जो वोल्टेज बढ़ा था उसको यह घटाएगा, और जो धारा का मान जितना लेना चाहिए इसको सामान्य अवस्था में वह कर देता है, जिससे कि हमारा राड सामान्य अवस्था में चलने लग जाता है। ये सारा प्रोसेस जो है कि 1-2 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि हमारा राड चमकने लग जाता है, यानी कि प्रकाश देने लग जाता है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।